रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। शूरसुशील भरत अनुगामी, शूरसुशील भरत अनुगामी, शूरसुशील भरत अनुगामी, शूरसुशील भरत अनुगामी। कृपुसूदन पद कमल नमामि, कृपुसूदन पद कमल सूदन पद कमल नमामि, सूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामि, सूर सुशील भरत अनुगामि, सूर सुशील भरत अनुगामि, सूर सुशील भरत अनुगामि। विचित्र बात है, यहां ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी कहते हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि, मैं शत्रुहंता शत्रुओं का विनाश करने वाले, जिनके नाम से शत्रु विनष्ट हो जाए, ऐसे रिपुसूदन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बोले रिपुसूदन की विशेषता क्या है? बोले सूर, बड़े सूरवीर हैं, और सुशील, परम सुशील है, और क्या है? बोले भरत अनुगामी, भरत के चरणों का अनुगमन करते हैं। एक बोले साहब ये बात हमारी समझ में नहीं आई, यदि राम का नाम शत्रुघ्न होता तो समझ में आती, लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न होता तो समझ में आती। भरत जी को भी शत्रुघ्न कह सकते हैं, क्योंकि राम जी ने ताड़िका को मारा, मारी सुबाहु का उद्धार किया, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, और वो वाई थी ना मौसी जी, क्या नाम है, सुरपनखा, उनके नासिका कान को हटाए। तो इनका नाम शत्रुघ्न हो जाए तो समझ में आती है, क्योंकि शत्रुओं का हनन इन्होंने किया है। पर जहां तक रामचरित्र मानस का प्रश्न है, जहां तक रामचरित्र रामायण जी का प्रश्न है, उसमें शत्रुघ्न लाल तो बिल्कुल मौन पात्र है। शत्रुघ्न जी का आपको दर्शन तो होगा, लेकिन प्रतिवेदन निवेदन नहीं मिलेगा। अन्य किसी शास्त्र में शत्रुघ्न जी ने भी एक दो युद्ध किए हैं, कथाएं आती हैं, लेकिन जहां तक रामचरित्र मानस का प्रश्न है, उसमें शत्रुघ्न जी ने कभी युद्ध नहीं किया। रामायण तो हम सब लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस के शत्रुघ्न ने किसी राक्षस का वध किया? रामायण के शत्रुघ्न जी ने कभी किसी दैत्य के साथ में युद्ध किया? ऐसा तुलसीकृत रामायण में कहीं लिखा नहीं। फिर उनको रिपुसूदन और सूर कहकर पुकार रहे हैं, क्यों? वो स्वामी जी कहते हैं बाहर के शत्रु को मारे, उसे रिपुसूदन कहो या मत कहो, लेकिन जो अंदर के शत्रु को मारता है ना, वही वास्तव में शत्रुघ्न है। बोलो जय श्री राम। लीले काय को बोलते हो, जरा जोर से बोलो ना, आनंद आता है। राम जी ने ताड़का को मारा, जब ताड़का क्रोध कर धाई, ये क्रोध का प्रतीक है। लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाथ को मारा, काम का प्रतीक है। ये सब बाहर के शत्रु हैं। आदमी जब क्रोध करता है तो दिखाई देते हैं कि नहीं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और जब वो क्रोध करने लगे, देखो कैसे कप प्लेट फेंकते हैं, कैसे कुर्सियां उठा के फेंकते हैं, कई लोग तो अपना माथा ही पीटने लग जाते हैं, मैंने देखा। तो क्रोध जब आता है तो दिखाई देता है, हाँ ये बाहर का शत्रु है, दिखता है। और कामा तुराणाम नभयम लज्जा, काम से व्यक्ति आतुर हो जाते हैं तो भय लज्जा नहीं रहती, इसलिए काम पर जो विजय प्राप्त करे, काम को जो मारे वो भी दिख जाता है, क्योंकि ये भी बाहर का शत्रु है।
पर लोभ, लोभ तो कभी दिखता ही नहीं। जिमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और आप आश्चर्य करेंगे जो जो लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है, और जो जो लोभ बढ़ता है त्यों त्यों दिखाई देता नहीं है। इसको जीतना बहुत मुश्किल है कि गुण सागर नागर नर ने हो, कि गुण सागर नागर नर के हो, अल्प लोभ बस कहन को। लोभ के बस में व्यक्ति क्या नहीं कर देता कि लोभ पास जही नरन बंधावा। लोभ के पास में जो नर नहीं बंधा है सो नर तुम समान रघुराय। जिसने लोभ को जीतना है वो तो राम ही है, और अंदर का जो शत्रु है लोभ यानी मंथरा, उसकी कमर को सीधा शत्रुघ्न नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। बोलो जय श्री राम। लाभे न वर्धते लोभ, जो जो लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता चला जाता है। आज 5 मिल गए तो कल 50 की इच्छा होती है, 50 मिल गए तो 500 की इच्छा होती है, 500 मिल गए तो 5000 की इच्छा होती है, 5000 मिल गए तो 50000 का मन बनता है, 50000 हो जाए तो 50 लाख का मन बन जाता है। हैं, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कथा आती है ना, कागज निकाला, कागज पर लिख दिया, कुबेर जी इस पत्रवाहक व्यक्ति को आपके पास में भेज रहा हूं, इसको देखकर के, इसकी गरीबी को देखकर के मुझे बड़ा क्लेश हुआ, इसलिए प्लीज इसके कमंडल को भर दीजिए, हीरों से इसका कमंडल भर दिया जाए, और तब तक हीरे पन्ना इसके कमंडल में डालते जाएं जब तक इसका कमंडल भर न जाए। एक हीरे से दरिद्रता मिट जाती है, मैं कहता हूं कमंडल भर के इसको दिए जाएं। सिग्नेचर नारद। जब बोले कहां जाना है, अलकापुरी चले जाओ, कुबेर के पास जाना। अरे महाराज कहां, कुबेर में तो भिखारी आदमी, मुझे कौन घुसने देगा। चिंता मत करना, चिट्ठी लेके जाना, कोई दरबान भी रुकेगा नहीं, महामंत्री रुकेगा नहीं, तुम्हें आसन मिलेगा, जो तुम्हारी इच्छा है उससे ज्यादा मिलेगा, जाओ। नारद ने कहा दी कृपा, अरे नारम ज्ञानम ददाती थी, नारद नारद जी कृपा करें तो ज्ञान दे दें, और नारद जी कृपा करें तो भगवान से मिला दें, ऐसे ही संत नारद। अब ये गए, फटे कपड़े, कुचल शरीर, हड्डी चमक रही है। महात्मा कुबेर के यहां जैसे पहुंचे दरबार में, और तो सीना चाम के जा रहे हैं, नारद की चिट्ठी है, ले जाता है क्या है, सो खोल के चिट्ठी दिखाई, और जैसे चिट्ठी दिखाई सो हमारा सबने सलूट लगाया, चलिए अंदर पधारिए। सेनापति ने कहा महामंत्री से, महामंत्री कुबेर के पास गए, बोले महाराज जी नारद जी ने भेजा है कोई अतिथि। कुबेर भी खड़े हो गए, आइए आइए आइए, लीजिए चिट्ठी दे दी। महाराज कुबेर, इस व्यक्ति को बहुत दिन से इस चौराहे पर भीख मांगते हुए मैंने देखा है, इसलिए मेरी इच्छा है इसकी गरीबी दूर होनी चाहिए, दरिद्रता मिटनी चाहिए, इसके कमंडल में हीरे तब तक डालते रहिए जब तक कमंडल भर न जाए। आदेश नारद। अच्छा अच्छा बैठिए, पहले आप कुछ बाल भोग लेंगे, कुछ फल वगैरह लेंगे। नहीं नहीं अपन को वही चाहिए, ठीक है बैठिए। खजांची को आदेश कर दिया हीरे निकाल के लाए जाएं और इसके कमंडल को ऊपर तक भर दीजिए। अंदर से खजांची ड्राम में भर के हीरे लाए, इतना सा कमंडल, एक मुट्ठी भर के हीरे डाले, फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी मुट्ठी, फिर चौथी मुट्ठी, फिर कमंडल भरता ही नहीं। लोटा भर भर के डाल रहे लेकिन कमंडल है कि भरता ही नहीं। और ये भिखारी बैठे मस्ती में, बोले अब क्या है, अब तो कुबेर को हटा कहो तो हम ही बैठ जाए गद्दी पर, और सब सलूट मार रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, नारद का पत्र है, कोई हंसी खेल।
इधर नारद जी निकले, बोले हाँ आजकल दिख नहीं रहा है वो भिखारी किधर है। अरे भाई अब क्यों दिखेगा, कुबेर के यहां से इतने हीरे लाया है, अब तो कोई बंगला बंगला बना के रहता होगा, कोई गाड़ी बाड़ियां होंगी दस पांच। नारद जी ने कहा देखूं तो सही वो है कहां। नेत्र बंद करके संत नारद ने देखा तो वो तो कुबेर के यहां बैठा है और डल्ला भर भर के लोग हीरे लाल ने कमंडल भर ही नहीं रहा है। नारद जी महाराज बड़े कौतुकी संत हैं, पहुंच गए कुबेर के यहां। दरबानों ने कहा महाराज जी किसको भेज दिया। अंदर गए तो महामंत्री ने प्रणाम किया, बोले पधारिए। सेनापति ने अंदर भेजा, कुबेर महाराज बैठे और डलिया भर भर के हीरे डाल रहे, लोग पसीने पसीने हो गए पर भिखारी का कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। कुबेर ने कहा पधारे महाराज, प्रणाम करके बोले भेजा करो तो देखते हो लिया करो किसको भेज रहे हैं, ये कमंडल है कि सागर है। 15 दिन हो गए नॉन स्टॉप चल रहा है, आपने लिख दिया जब तक कमंडल भर न जाए डालते जाना, भरता ही नहीं। 3 भंडार खाली हो गए, चौथे का ताला खुलने वाला है। नारद जी बोले रुको अभी मत डालो, मैं जरा देखूं तो सही इसके कमंडल में नीचे क्या है। संत नारद ने उस भिखारी के कमंडल को लेकर के जैसे ही पलटा तो कमंडल में नीचे अंदर मनुष्य की खोपड़ी रखी थी और मानव की खोपड़ी के बीच में लोभ बैठा हुआ था। बोलो जय श्री राम। नारद जी बोले बस अब देने की जरूरत नहीं है महात्मा कुबेर, तुम अपना भंडार तो क्या ब्रह्मा जी भी अपना पूरा खजाना दे दें तो ये कमंडल कभी भरने वाला नहीं है क्योंकि इसमें लोभ बैठा है मनुष्य की खोपड़ी में। जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जो लोभ को जीतने वही शत्रुघ्न है और इसको जीतना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो शत्रुघ्न जी महाराज ने मंथरा की कमर को सीधा किया, उस लोभ को दंडित किया। और आप ध्यान देना, ताड़का मर गई हम सब जानते हैं, यानी क्रोध मर गया। मेघनाथ मर गया हम सब जानते हैं, काम भी समाप्त तो हो गया। अहंकार मर गया हम सब जानते हैं, रावण अहंकार है मर गया। राम जी रावण को मार करके आए, अयोध्या में आके राम का राज्याभिषेक हुआ, पर आपने किसी भी शास्त्र में किसी भी ग्रंथ में कभी सुना है तो इस मंथरा का क्या हुआ। मंथरा के मरने की कोई कथा कहीं आती ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि लोभ कभी मरता ही नहीं है, लोभ मर नहीं सकता, लोभ को दबाया जा सकता है पर ये कब फूट पड़े इसका कोई भरोसा नहीं है। तो लोभ रूप ये शत्रु को जो दंडित करे उसी को शत्रुघ्न कहते हैं। आहा महावीर बिनव हनुमाना, महावीर बिनव हनुमाना। राज परिवार से जोड़ दिया श्री हनुमान जी महाराज को, राज परिवार के साथ में श्री हनुमंत की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि महावीर बिनव हनुमाना, महावीर बिनव हनुमाना। राम जासु जस आपो बखाना, राम जासु जस आपो बखाना। महावीर महावीर हनुमान जी के चरणों में हम उनकी बार बार वंदना करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जासु जस आप बखाना, भगवान राम भी जिसके यश का बखान करते हैं।
राम ने भी जिसकी जिसके यश का गान किया। सुंदरकांड में तो लिखा है कि राम जी ने हनुमंत को गले लगा करके कहा कि प्रति उपकार करहु का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारे उपकार के बदले कुछ नहीं दे सकता हनुमंत, तुम तो वास्तव में हनुमंत हो। हनुमान जी को हनुमान क्यों कहते हैं? जिसने अपने मान का हनन कर लिया उसको हनुमान कहते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, जो हमेशा दूसरों को मान देवे और स्वयं अमानी बनकर के रहे वही तो हनुमंत लाल है। बड़े बड़े कार्य श्री हनुमान जी ने किए लेकिन कभी ये प्रकटित न होने दिया कि मैंने किया, इसलिए तो हनुमान जी महाराज की सब वंदना करते हैं। भगवान राघव भी उसके गुणों का बखान करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए थोड़ी हनुमान जी की वंदना करें, फिर इस प्रसंग को हम लोग थोड़ा आगे वर्णन करेंगे। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में हनुमंत लाल की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल
विजय हो। इन सबसे प्रणाम करके गोस्वामी जी मांग क्या रहे, बड़ी सुंदर भावना है। चरण बंद बिनवो सब काहू, 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 देहु राम पद नेह निवाहू, 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 मंगल मूरति मारुति नंदन, तुलसी के परम सने, बंद हो राम लखन वैदेही, बंद हो राम लखन वैदेही, ये तुलसी के परम सने, ये तुलसी के परम सने, बंद हो राम लखन राम लखन वे दे, बंद हो राम लखन वे दे, बंद हो राम लखन वे दे, ये तुलसी के परम सने, ये तुलसी के परम सने, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूरति मंगल मूरति मंगल मूरति मारुति नंदन। अमंगलों का विनाश करके जीवन में मंगल ही मंगल भर दें, हनुमान जी महाराज को प्रणाम। प्रणव हूं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। पवन कुमार हनुमंत के चरणों में वंदना करते हैं हम, जिनके हृदय में आहा धनुष बाण लेकर के राम जी बैठे। क्यों भाई, भगवान को हम हृदय में बिठाए तो धनुष बाण की क्या जरूरत है? अब बाण लेकर के हृदय में बैठे, कहीं लग जाए तो, कहीं चुभ जाए तो? अरे बालराम की झांकी को हृदय में बिठाओ, श्री सीताराम जी की पवित्र मंगल में झांकी हृदय में बिठाओ। अब धनुष बाण को लेखन के असल में हनुमान जी ने जब कहा था ना मेरे हृदय में बैठ जाओ, तो राम जी आ रहे थे,
बैठने के लिए, तो हनुमान जी बोले ऐसे मत आओ, वो बोले के आओ। बोले क्यों? बोले क्या है कि वो मेरे हृदय में बड़े बड़े शत्रु बैठे हुए हैं ना जी, अब उन शत्रुओं का कल्याण करना है तो धनुष बाण तो चाहिए, क्या पता कभी काम जोर पकड़ जाए, कभी क्रोध जोर पकड़ जाए। काम क्रोध लोभ मोह अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अहमता ममता, ये सब शत्रु बैठे अंदर भाई जी। इसलिए परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी को ही बिठाओ, ताकि सुदर्शन के द्वारा वो हमारे इन शत्रुओं का विनाश करते रहें। राम जी को हृदय में बिठाना है तो धनुष बाण लेके ही बिठाओ, ताकि शत्रु जोर न पकड़ते रहें। इसलिए जासु हृदय आगार, जिसके हृदय रूपी भवन में राम जी धनुष बाण लेकर के विराजमान। बोलिए हनुमंत लाल की। हनुमान जी महाराज की वंदना करी और रीछ कपि भालू सबकी वंदना करते 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 आहा, अब माता जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी मातृवंदना। माता के चरणों में प्रणाम करता हूं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान राम का ही नाम है। और एक बात आपसे बताएं, हमारे राम जी का नाम राघव रखा माता कौशल्या ने। राम जी को राघव कहती हैं मां कौशल्या, राम जी को राजा राम कहा विश्वामित्र जी ने, राम जी को पतित पावन कहा अहिल्या जी ने, लेकिन राम जी को करुणा निधान कहा माता जानकी जी ने। बोलो जय श्री राम। करुणा निधान भगवान राघव का बहुत प्यारा नाम है। आहा, करुणा के सागर। तो करुणा निधान राघव की जो अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रियतमा है, माता को प्रणाम। एक जगह तो बाबा ने लिखा है विनय पत्रिका में, कबहू का अंब अवसर पाए। हे माता, आप तो राम जी के एकदम निकट में रहती हैं, अर्धांगिनी हैं, अंग संगिनी हैं,
तो कभी आपको अवसर मिल जाए, कभी आपको मौका मिले माँ, तो मेरी अर्जी भी राघव के चरणों में पहुंचा देना। बोलो जय श्री राम। ऐसे ऐसे बाबा ने कविता में लिखा है, कबहू का अंब अवसर पाए। इसलिए माता जी की वंदना की और वंदना करके चाहा क्या, वैभव नहीं, ऐश्वर्य नहीं, सोना चांदी नहीं, मुक्ति नहीं, वैभव नहीं, क्या मांगा? बोले ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उनकी कृपा से मेरी मति निर्मल हो जाए। अच्छा, मति यदि निर्मल होगी तो उसमें निर्मल भक्ति ही समाएगी, और मति यदि मलयुक्त होगी तो उसमें निर्मल भक्ति कैसे आएगी? और जब तक निर्मल भक्ति न आएगी तो राघव कैसे मिलेंगे? इसलिए माँ को प्रणाम करो तो वैभव ऐश्वर्य मुक्ति नहीं, निर्मल मति पाओ। हे प्रभु आनंद दादा, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम बचपन में स्तुति में पढ़ते थे, स्कूल की प्रार्थना होती थी, हाँ, निर्मल मति मांगो, सद्विचार मांगो, भक्ति की शक्ति मांगो, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, मन से वचन से कर्म से अपने रघुवर के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हैं? हम बार बार वंदन करते हैं, राघव ही तो मेरे सर्वस्व हैं। उन चरण कमलों की वंदना करता हूं मैं जो दुर्लभ नहीं है, चरण कमल बंदाऊं सब लायक, जो सबके लिए हितकर हैं, जो सबके लिए सुलभ हैं। राम जी 14 वर्ष को वन में पधारे, रावण मारना कोई कारण नहीं है, ध्यान देना, परमात्मा का प्राकट्य राक्षसों को मारने के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। भगवान का प्राकट्य होता है भक्तों से मिलने के लिए, सबके मध्य में आकर सबके लिए सुलभ बनने के लिए राघव पधारते हैं। किमर्त्यावतार स्तुहमर्त्या शिक्षणम रक्षो बधायई वन केवलम विभो। मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा का प्राकट्य होता है, किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान का प्राकट्य नहीं होता। तो उन चरण कमलों की वंदना, तो राम जी 14 वर्ष को वन में पधारे, रावण को मारने के लिए नहीं, मारी सुबाहु को मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वन में रहने वाले कितने संत, वन में रहने वाले कितने भक्त जो स्वपच हैं, कोल भील कुलों में जन्म लिए हैं, उन सबको मेरा दर्शन सुलभ हो जाए, उन सबको मैं गले लगा सकूं, वो सब मेरे चरणों के दर्शन से लाभान्वित हो सकें, इसलिए राम जी वन में आए थे। हाँ, शबरी को दर्शन देना है, मतंग ऋषि की शिष्या 1000 वर्षों से आस लगाए बैठी है, हैं? सर्वंग मुनि को दर्शन देना है, जिसके शरीर में खाली नस ही नस बची हैं, बाकी सब खत्म हो चुका है, इसलिए कि राम को पा जाऊं, तो सबके लिए सुखदायक हैं राम के चरण, सुलभ हैं। अच्छा, पहले माता जानकी जी की वंदना कर दी, फिर राम जी की वंदना कर दी, तो गोस्वामी जी को लगा, अरे कोई ये न सोच ले कि जानकी जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, इसलिए तुरंत नीचे गोस्वामी जी ने कह दिया कि गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद इनहि परम प्रिय खिन्न। मैं राम जानकी जी के अभेद का प्रतिपादन करना चाहता हूं। जैसे गिरा, गिरा माने वाणी, गिरा अर्थ जल बीच सम, तो वाणी में और वाणी के अर्थ में, वाणी और अर्थ दो लगते हैं पर बात तो एक ही है, और जल बीच सम
जल और बीची बोलते हैं तरंग को। अब जल की ही तो तरंग होती है, अब हम तरंग अलग बोलते हैं, जल अलग बोलते हैं, पर बिना जल के तरंग नहीं, और तरंग वही होती है जहां जल होता है, तो जल की ही तो तरंग है। तो जैसे वाणी और अर्थ में कोई अंतर नहीं, जल और उसकी तरंग में कोई अर्थ अंतर नहीं, कहीं अत भिन्न न भिन्न, हम कहने को भिन्न बोलते लेकिन अभिन्न है, ऐसे ही बंद हूं सीताराम पद मैं, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिन्हें परम प्रिय खिन्न आहा, जो समाज से बहिष्कृत हैं, जो दुखित मन हैं, जो पीड़ा युक्त हैं, उन सबको गले लगाते मेरे राघव, उन सबको औदार्यता से हृदय से लगाकर सुख प्रदान करते राघव, मैं प्रणाम करना चाहता हूं उनके चरणों में। और प्रणाम करते 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 गोस्वामी जी इतने भाव बेहद हो गए, बंद हूं नाम राम रघुवर को, बंद हूं नाम राम रघुवर को, मैं तो प्रशान भाम दिन कर को, मैं प्रशान भाम विधि हरि हर नाम राम को प्रणाम करता हूं, बंद हूं नाम राम रघुवर को। राम कैसा नाम है? बोले हे तू कृषाण भावन हिम कर को। कृषाणु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूर्य को, और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। मैं राम नाम को प्रणाम करता हूं तो कृषाणु के क्री में जो र है ना, ये राम का नाम है, और भानु में जो आ है वो राम है, और चंद्रमा में जो मा है वो राम है। तात्पर्य ये हुआ, अग्नि में जो तेज है वो उसकी कृपा से, चंद्रमा में जो शैतल्य है वो चंद्र का नहीं राम की कृपा से, और सूरज में जो तेजस्विता है वो राम की कृपा से। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, दुनिया को वो प्रकाश देते हैं। महामंत्र जय जपतन महेशु, आपको मालूम है काशी में जो व्यक्ति वास करते हैं, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलती ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो राम जी उन काशी वास करने वालों के कान में राम नाम तारक मंत्र देते हैं। तो काशी के मुक्ति का हेतु राम नाम का उपदेश है। आपको मालूम है 100 करोड़ मंत्रों की रामायण थी, 100 करोड़ मंत्रों की रामायण, और जब भगवान शिव ने 100 करोड़ मंत्रों की रामायण को लिख लिया
तो देवता गंधर्व और मनुष्य तीनों में झगड़ा। बोले हम लेंगे ये रामायण, हम लेंगे ये, हम लेंगे। भगवान शिव तो परम उदार हैं, उन्होंने तीन भाग कर दिए, 33,33,33,333 मंत्र देवताओं को दे दिए, 33,33,33,333 ये गंधर्वों को दे दिए, और 33,33,33,333 गंधर्वों को दे दिए, मनुष्यों को, गंधर्वों को, देवताओं को, तीन जगह बांट दिए। तो 100 करोड़ में तीन भाग कर दिए, तीन जगह बांट दिए, तो एक मंत्र बचा। एक मंत्र में 32 अक्षर होते हैं। अब तीनों फिर झगड़ने लगे, हम लेंगे, बोले हम लेंगे, बोले हम लेंगे। तो 32 अक्षर के मंत्र में से 30-30 अक्षर शिवजी ने तीनों को फिर बांट दिए। 10 अक्षर दे दिए देवताओं को, 10 दे दिए गंधर्वों को, 10 दे दिए मनुष्यों को। तो कितना बचा? केवल 2 अक्षर बचे। 100 करोड़ मंत्र रामायण में से केवल 2 अक्षर बचे, और इनके लिए भी झगड़ा। बोले हम लेंगे, हम लेंगे। शिव जी बोले ये तो मैं अपने हृदय में रखूंगा, ये किसी को देने वाला नहीं हूं। वही राम नाम है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, इस मंत्र का महेश भगवान शिव जाप करते हैं, और इसी मंत्र को काशी वास करने वालों के कान में देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा लिखा है। आहा, ध्रुव सगलानी जपहु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव ने इसी नाम को बड़ी ग्लानी से जपा, भाव से नहीं, प्रेम से नहीं, लेकिन फिर भी उनको अचल अनुपम ठाम मिल गया। तो हमें करना क्या है कि राम नाम मन दीप धरे, जीव देह द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह से उजियार। इस राम नाम मंत्र को जो दीपक है, इसको यहां धारण कर लो। राम नाम मणि दीप धरे कहां रखें? बोल जीव देहरी द्वार, जीव पर स्थापित करो, कंठ पर धारण करो। यदि जीव में हम राम नाम को स्थापित कर लेंगे तो ये दीपक बाहर संसार में भी उजाला देगा और अंदर हृदय में भी प्रकाश देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाह से उजियार। इसलिए राम नाम परम मंगलमय है, ये निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, साकार भी है, और दोनों से परे है, दोनों ही है, ऐसा मानना चाहिए। ये तो मुकुट छत्र है, इसको जीवन में स्थापित करो, जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसे राम नाम की महिमा का वर्णन किया, भक्ति का प्रतिपादन किया, फिर सगुण और निर्गुण का प्रभु श्री तुलसी जी ने कुछ भेद प्रकट करते हुए और अभेद रूप में उसको प्रतिपादन किया। राम सगुण भी है, निर्गुण भी है, कोई अंतर नहीं है, अगुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं होता। एक को हृदय दे दो, आहा, एक को मन प्रदान कर दो। बोलो जय श्री राम। ऐसे गोस्वामी जी ने महिमा का वर्णन किया। सम्मत 1631 में गोस्वामी जी स्वयं बता रहे, सम्मत 1631 में राम नवमी के पवित्र अवसर पर अयोध्या में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। इसका नाम रामचरितमानस रखा, मानसरोवर रखा। जैसे वो मानसरोवर, ऐसे ये मानसरोवर। उस मानसरोवर में हम जाते हैं, उसमें निर्मल पानी है। बाबा तुलसी के मानसरोवर रामायण में
संत की निर्मल वाणी है। उस मानसरोवर में स्नान करते इसमें पैर फिसल जाए और हम डूब जाएं तो व्यक्ति मर जाता है। इस रामचरित मानसरोवर में जितना डूबेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतने ही ऊपर उठते जाएंगे। बोलो जय श्री राम, मुक्त हो जाएंगे, राम को पालेंगे। उस मानसरोवर में जाते हैं तो बड़े बड़े झंझावात, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इस मानस राम सरोवर में जाने पर भी संसार के बहुत से विघ्न बाधाएं, बहुत सी व्यवहार की बाधाएं, बहुत सी चरित्र की बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। कैलाश के मानसरोवर में हम जाते हैं तो वहां हंस बांस करते हैं। बाबा तुलसी के मानसरोवर में परमहंस निवास करते हैं। ये संत की वाणी है, यहां परमहंस भक्तों का निवास होता है। ऐसे मानसरोवर में अवगाहन करें, प्रणाम करें। आइए दो मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हो। एक बात आपसे बता दें, आज थोड़ा महात्म्य का वर्णन किया, नाम महिमा आदि। राम कथा मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और कल सती चरित्र और भगवान शिव के विवाह का महोत्सव होगा। बड़ी धूमधाम से कल भोलेनाथ का विवाह महोत्सव मनाएंगे, पर आना सब लोग ठीक ढाई बजे पहुंच जाना, ताकि समय से ऊपर में न जाऊं और समय पर छुट्टी हो सके। आइए दो मिनट बहुत भाव से गाएं। रघु नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघु नंदन बलवंत श्री हनुमंत लाल की। ओ नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। जय जय सीता राम शरणम Thank you.
भगत विपत भंजन सोख धाय शीश विनाश
मुनि मा
धीर महारन धीर अहे तब नाम जपामि नमामि हरि तब रोग राम 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 रा
राज राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम।
राम 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 राम